वेलकम टू गीक्स टू गीक्स। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर कॉम्पिटेटिव कोडिंग, गेमिंग और टेक्स रिलेटेड टिक्स एंड ट्रिप्स लाता रहता हूँ। तो आज हम देखेंगे वीएस कोड को कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के लिए किस तरह से सेट करें फॉर पाइथन, C++, इस तरह के इनपुट और आउटपुट के मोड में। चलो अब देखते हैं कि इसको किस तरह से सेट करना है। बिना कोई माथा फोड़े डिस्क्रिप्शन में 3 लिंक दे दी हैं, जाकर डाउनलोड करो। वीएस कोड यहाँ से, मिनजी डब्ल्यू यहाँ से, पाइथन यहाँ से, मिनजी डब्ल्यू फॉर C++। लेट्स स्टार्ट इट। इन तीनों को डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले हम वीएस कोड को इंस्टॉल करेंगे। जिस तरह सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं उसी तरह आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, क्रिएटेड डेस्कटॉप आइकन, नेक्स्ट नेक्स्ट, फिनिश। उसके बाद ये कुछ इस तरह से खुलेगा। तो हमें कुछ एक्सटेंशन डाउनलोड करने हैं सबसे पहले। तो हम सबसे पहले कुछ एक्सटेंशन डाउनलोड करते हैं जो कि पाइथन C++ के हैं। एक्सटेंशन के लिए यहाँ पे क्लिक करें। सबसे पहले हमें दिख रहा है यहाँ पे C++ का, ये तो हम सबसे पहले ही दिख रहा है, इसे इंस्टॉल कर लें। ये मैंने इंस्टॉल करके रखा है तो आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद कोड रनर, कोड रनर को भी इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद पाइथन, और पाइथन को भी इंस्टॉल कर लीजिए। इन तीनों को इंस्टॉल करने के बाद हमें बताता हूँ आगे क्या करना है। अब हम पाइथन इंस्टॉल करेंगे। पाइथन इंस्टॉल करने के लिए हमें थोड़ी सी माथापच्ची करनी पड़ेगी। यहाँ पे एड टू पाइथन 3.82 पाथ, ये हमें करने से हमारे एनवायरनमेंट वेरिएबल में एक पार्ट डिक्लेयर हो जाएगा जहाँ हम पाइथन 3.8 को डिक्लेयर कर देंगे। उसके बाद हमें कस्टमाइज इंस्टॉलेशन में क्लिक करना पड़ेगा, देन नेक्स्ट। इसके बाद हम अपने पाइथन लोकेशन को चेंज कर देंगे। पाइथन लोकेशन को चेंज करने के लिए सबसे अच्छा रहेगा कि आप सी में ही एक पाइथन फोल्डर बना के उसे सेव कर लें। जैसे यहाँ पे 3.8 फोल्डर बना है तो मैं चाहूँगा कि यहीं पे मैं इसे इंस्टॉल करूँ। तो यहाँ पे एक फोल्डर बना लेना, यहाँ पे 3.8 करके पाइथन 3.8 का, और उसे इंस्टॉल कर लेना। देन एस, देन क्लोज इट। इसके बाद हम MinGW को इंस्टॉल करेंगे। नेक्स्ट, बिना कोई छिड़खानी करे सिर्फ नेक्स्ट कर दो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे कुछ फाइल्स डाउनलोड होंगी, उनका वेट करो आप। इसके बाद नेक्स्ट, फिनिश। देन हमें इसके बाद एक छोटा सा काम करना है, और आपको अपने पीसी के प्रॉपर्टीज में जाना है। अगर आपके पास डेस्कटॉप में शॉर्टकट है तो आपको अपने जिस पीसी के इस वाले आइकन पर क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाना पड़ेगा, नहीं तो इस वाली प्रॉपर्टीज पे आपको कुछ काम नहीं आने वाला वो। देन आपको यहाँ पे एडवांस सिस्टम सेटिंग्स पे जाना पड़ेगा और एनवायरनमेंट वेरिएबल में जाना पड़ेगा, और यहाँ पाथ में क्लिक करके एडिट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम एक पाथ को ऐड करेंगे। उसे ऐड करने के पहले हम अपना देखेंगे कि MinGW हमारा कहाँ पर इंस्टॉल हुआ है। सी में चलेंगे, MinGW हमारे यहाँ पे सी में ही होगा। इधर क्लिक करेंगे, फिर हम यहाँ क्लिक करेंगे, फिर हम MinG32 पे चलेंगे, फिर हम बिन पे चलेंगे। बिन पे जाने के बाद हम इस पूरे पाथ को कॉपी कर लेंगे। यहाँ से कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे एक न्यू पाथ बनाएंगे जिसे हम इधर पेस्ट कर देंगे हमारे उस MinGW वाले पाथ को, बिन वाले पाथ को। इसको ओके करेंगे, देन ओके ओके एंड क्लोज। इसके बाद आप अपना एक फोल्डर बना लीजिए कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग का, जिसमें मैंने यहाँ पे एक सीसी करके फोल्डर बना लिया है कॉम्पिटेटिव कोडिंग का, जिसमें मैंने 4 फाइल बना के रख ली हैं, test.cpp, test.py, इनपुट आउटपुट, जिनसे मैं इनपुट लूँगा और इसमें आउटपुट डालूंगा, और ये मेरे 2 कोड जिनसे मैं कोड रन करूँगा। इस बार हम अपना वीएस कोड खोलेंगे और अपने इस सीसी फोल्डर को खोल लेंगे। इस सीसी फोल्डर को खोलने के बाद मैं आपको ये कोड दे देता हूँ, ये 3 लाइन का कोड, आप इसे कॉपी कर लीजिए और अपने पाइथन फाइल में सेव कर लीजिए। ये आपको इनपुट और आउटपुट देने में हेल्प करेगा। हमने जो आउटपुट की जो फाइल बनाई थी, अब हम इसे इस तरह से स्प्लिट करेंगे कि ये हमें दिखने में अच्छी लगे। सबसे पहले हम इनपुट फाइल को स्प्लिट करते हैं। व्यूज पे जाएंगे, इसके बाद एडिट लेआउट पे, अब हम इसे स्प्लिट राइट करेंगे। स्प्लिट राइट होने के बाद अब हम अपने
आउटपुट को भी स्प्लिट राइट करेंगे। ये जब स्प्लिट हो जाएगी, अब हम इस वाली फाइल को स्प्लिट डाउन करेंगे। यहाँ पे अब मैंने अब इस इनपुट डॉट टीएक्सटी को भी खोल लिया है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा ये इनपुट एक आउटपुट बन चुका है। अब मैं इस वाली फाइल को क्लोज कर सकता हूँ, ये मैंने गलती से बना लिया था। आप देख सकते हैं अगर मैं यहाँ पे मैंने इनपुट दिया तो यहाँ पे मुझे आउटपुट मिलेगा। लेट्स एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे एक इनपुट लिया और यहाँ पे मैंने प्रिंट किया ए, तो मैंने यहाँ से इनपुट लिया, यहाँ से आउटपुट प्रिंट कर रहा हूँ। मैं अपने कोड को अब रन करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे 7 डाल देता हूँ इनपुट में, आप इस फाइल्स को ऑटो सेव पे रखिएगा, नहीं तो ये आपको बार बार सेव करने में दिक्कत होगी। ऑटो सेव के लिए आप सेटिंग्स पे जाइए, सेटिंग्स पे जाके ऑटो सेव, ऑटो सेव में यहाँ पे आफ्टर अ डिले, आफ्टर अ डिले कर दीजिए। डिले कितना, यहाँ पे 1000 मिनट की 1 सेकंड बाद ही सेव हो जाएगा तुरंत। इसे सेव करने का, इसे क्लोज कर दीजिए, देन आप अपने कोड को दोबारा रन कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे भी मेरा 7 आ चुका है, यहाँ पे भी 7 था। अगर आपको दिख नहीं रहा तो मैं जूम कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने अपने कोड को बड़ा कर दिया है। मैं अपने कोड को दोबारा रन करता हूँ, मैंने अपने कोड को रन किया, मेरा कोड रन हो गया, यहाँ पे 7 7 सेव हो गया। ये मेरे सी पाइथन के लिए हो गया। अब अपने सी प्लस के लिए देखता हूँ, मैंने सी प्लस के लिए भी एक कोड लिखा आपको इंटीजर मेन में। ये इधर तक ये कोड सेम टू सेम, यहाँ तक ये कोड सेम टू सेम लिखना पड़ेगा। मैं इन कोड्स को आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको इस कोड को यहाँ देखना पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे ए को डिक्लेयर कर दिया और ए लिया, एक आउटपुट किया। लेट्स एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे 79 लिया और मैं इसे अब रन करता हूँ इस कोड को। मैंने इस कोड को रन किया और मेरा ये सी प्लस प्लस कोड का रन हो रहा है और ये मेरा कोड यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। बस आपको इस चीज का ख्याल रखना है कि मेरी अपनी चारों की चारों फाइल्स एक ही फोल्डर में सेव हों। ये हमारा वीएस कोड रेडी है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए। थैंक यू।